हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज हम आपको डेंगू फीवर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जो एक प्रकार के मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है, उस पर आपको बहुत ही शानदार मेडिसिन बताएंगे। इसके कारण और निवारण सब बताएंगे। यदि रोगी को मच्छर के काटने से फीवर आ जाता है और फीवर आने के साथ साथ उसको खास हड्डियों में दर्द होने लगता है, खासकर कलाई की हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो समझ लीजिए आप डेंगू फीवर इसको हो चुका है। उसमें आपको बहुत ही सुंदर मेडिसिन मैं बताऊंगा, तुरंत प्रभाव दिखाने वाली मेडिसिन है। यदि रोगी को शीघ्र उपचार न मिले तो कई बार जान पर बनाती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले फीवर आते ही व्यक्ति विशेष की हड्डियां चूर चूर होने लगती है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और साथ साथ ही प्लेटलेट्स गिरनी शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ी से इसकी प्लेटलेट डाउन होनी शुरू होती है। हेंस इसलिए इसका तुरंत के तुरंत यदि इलाज करा लिया जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी कवर हो जाता है। सभी मच्छरों के काटने से जैसे मलेरिया नहीं होता, वैसे ही कुछ खास मच्छरों के काटने से डेंगू पैदा हो जाता है। इसलिए हमने इस दवाई को एक नया नाम दिया है, बोनसेट। ये हमने दवाई को अपनी तरफ से नाम दिया है। इस नाम से यदि बोनसेट नाम से यदि आप मार्केट में मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाएं और मेडिसिन कहें आपके बोन स्टोन देना, तो वे समझ ही नहीं पाएंगे कि बोन स्टोन देना क्या है, क्योंकि ये हमने अपने क्लिनिकल इसको नाम दिया है। ये हमारे अपने द्वारा तैयार की हुई सभी सिम्टम्स को देखते हुए मेडिसिन तैयार की है। ये मार्केट में स्टोर से लेने आप जाएं फैंस, तो मार्केट में इस नाम से ये आपको कदापि नहीं मिलेगी। इसमें हमारा ये अपना लॉन्च किया हुआ क्लिनिकल नाम दिया है हमने, जो हम खुद ही अपने अनुभव के द्वारा तैयार की हुई सभी सेमिस्ट्रम दवाइयां हमने इसमें ऐड की है। प्रत्येक मेडिसिन का अलग अलग परीक्षण करने के बाद इसमें मेडिसिन ऐड की है। जब प्रत्येक अंग व मांसपेशियां ज्वर के कारण दर्द करने लगती है और हड्डी व हर जोड़, खासकर हाथ की कलाई में ऐसा दर्द होने लगता है जैसे मानो हड्डी चूर चूर हो गई हो, तब हड्डियों में बैठे दर्द को यह दवाई दूर कर डेंगू फीवर का ज्वर समाप्त कर देती है। इतनी शानदार ये मेडिसिन है कि डेंगू के पिछले सीजन में तो हमारे पास में लाइन लग के मेडिसिन लोगों ने ली है। खासकर इसमें जो मेडिसिन हमने प्लेटलेट्स के लिए ऐड की है, वो इतनी शानदार मेडिसिन है कि जो बड़े हॉस्पिटलों में पेशेंट एडमिट थे प्लेटलेट्स की दवाइयाँ, वे भी हमारे यहाँ से ले लेके गए, अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में ही देते रहे एलोपैथिक मेडिसिन के घंटा दो घंटा आगे पीछे। उनकी प्लेटलेट्स बहुत स्पीड से जैसे गिरती है, उसी स्पीड से बढ़ाती भी है। मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जैसे जैसे बुखार इसका चढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है और हर हड्डी व हर जोड़, खासकर हाथ की कलाई में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, मानो हड्डी चूर चूर हो गई हो, ऐसा दर्द यदि होता है, हड्डियों में बैठे दर्द को यह दवाई दूर कर डेंगू फीवर को बिल्कुल समूल नष्ट कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, दोबारा कभी होने की संभावना भी नहीं होती।
वह हड्डियों के दर्द में आराम कर देती है। वैसे तो जिस किसी को भी फीवर में, जैसे इन्फ्लुएंजा फीवर है, टाइफाइड फीवर है, इसमें भी हड्डियों में दर्द हो तो यह दवाई उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। परंतु डेंगू फीवर के लिए ये रामबाण जिसे कह सकते हैं वो औषधि हमने तैयार की है। जब दर्द कलाई से शुरू हो और मच्छरों के काटने से हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही अमूल्य औषधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। उस हड्डी तोड़ फीवर में शीघ्र ही एकदम फायदा करने वाली मेडिसिन है। कईयों को जोड़ों का दर्द ऐसा रूप ले लेता है जैसे जोड़ों में दर्द पेशेंट को होता है तो उसको सिर दर्द ख़त्म हो जाता है। इसकी ये विशेषता है, यदि पेशेंट के सिर में दर्द है तो उसके जोड़ों में दर्द नहीं होता, फीवर नहीं होता, और जैसे जैसे इसका फीवर बढ़ता है वैसे वैसे इसके का सिर का दर्द भी अपने आप घटना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है डेंगू फीवर में। परंतु जैसे जैसे इसका सिर दर्द बढ़ता है वैसे ही जोड़ों और हड्डियों का दर्द उतना ही घटना शुरू हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है इसमें कि या तो रोगी की प्रवृत्ति जो होती है, कई एक रोगी की प्रवृत्ति गठिया की होती है, उंगलियों व कोहनी के जोड़ों में गांठों में दर्द होने लगता है, अंगूठों में भी दर्द होने लगता है, हाथ की और सूजन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, लगते हैं अंगूठे। जब यह फीवर उतर जाए तब भी आपको इस मेडिसिन को कुछ समय तक लेते रहना चाहिए। फैंस जैसे जैसे इस मेडिसिन को लेने से आपका फीवर टूटने लगता है, आपको रोग प्रतिरोधक के तौर पर इस मेडिसिन को कुछ समय तक लगातार लेते रहना चाहिए। खासकर 15 से 20 दिन के लिए आपको इसको फीवर उतरने के बाद भी प्रतिरोधक के रूप में लेते रहनी चाहिए, क्योंकि ज्वर निवारण हेतु जीवन शक्ति प्रक्रिया शुरू होने लगती है। जैसे ही बुखार उतरना शुरू होता है तो ये मेडिसिन जैसे जैसे आपकी शारीरिक शक्ति वीक होने लगती है फीवर के कारण, उसको शक्ति को ये बढ़ाने का कार्य शुरू कर देती है। उस समय यदि तुरंत आपने दवाई बंद कर दी तो फीवर उतरते ही यदि आप दवाई बंद कर देते हैं तो जीवनी शक्ति जो हमारी नष्ट हो चुकी होती है फीवर के द्वारा, शक्ति को रोग का मुकाबला करने की शक्ति का बल नहीं मिल पाता, यानी रोग से लड़ने के लिए उस हमारे शरीर में इतना बल पैदा नहीं होता हो पाता यदि हम दवाई तुरंत छोड़ देते हैं, और पुनः ज्वर वापस आ सकता है। अतः आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ज्वर समाप्त होने के बाद भी आप कुछ समय तक इस मेडिसिन को लेते रहें, खासकर 15 से 20 दिन। फ्रेंड्स, हमारा स्वास्थ्य पहले अच्छा हो, पहले से भी अच्छा हो, अब आप इस दवाई को का सहमिश्रण मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये मेडिसिन लेनी है। फैंस, इसमें मात्र आपको 4 दवाई लेनी है जो फीवर के लिए, केवल डेंगू फीवर के लिए है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें यूपाटोरियम पर, दूसरी मेडिसिन है इसमें जेलसीमियम, तीसरी मेडिसिन है इसमें एकोनाइड, और चौथी मेडिसिन है इसमें रस्टोक्स। ये सभी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें, और 30-30 पोटेंसी में लेके समान मात्रा में, समान पोटेंसी एक शीशी में बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें, और इसको जो है दिन में आप हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद 1/4 का पानी में 10-10 बूंद डाल के आप सेवन करें तो आपका फीवर बहुत जल्दी उतर जाता है। आपके जोड़ों में दर्द, आपकी हड्डियों में जो भी दर्द होता है उसको ये निचोड़ कर बाहर निकाल देते हैं। अब मैं आपको इसमें एक टॉनिक का भी की मेडिसिन बताता हूँ। जिन व्यक्तियों को यदि डेंगू फीवर हो इस मेडिसिन से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का ऐसा होता है कि फीवर लंबे समय तक रह चुका होता है और तब उनको दवाई ध्यान में आती है कि ये दवाई ली जाए, तो फैंस उनकी आप प्लेटलेट चेक करें, यदि प्लेटलेट्स भी
ऐसे पेशेंट की डाउन होती है, तो दो मेडिसिन आपको मदर टिंचर में इसमें ऐड करनी है, वे इससे अलग लेनी है आपको। जैसे आपने दो दो तीन तीन घंटे बाद इसको रिपीट किया, वे मेडिसिन केवल आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है। बीच बीच में इस मेडिसिन से घंटा आगे पीछे आप ले सकते हैं। वे मेडिसिन है कैरी का पपाया मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है टेनिस पोरा मदर टिंचर। इसकी भैंस आप आधा कप पानी में 20-20 दोनों की बूंद डालकर 20 बूंद कैरी का पपाया और 20 बूंद टेनिस पोरा दोनों की आप 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर, पानी सिंपल होना चाहिए, कोई फ्रिज का पानी नहीं या उबला हुआ गर्म तेज पानी नहीं होना चाहिए, उसमें आप गुनगुना हल्का गुनगुना पानी या सिंपल पानी में आप डालकर इस मेडिसिन को लें, तो आप देखेंगे कि आपकी प्लेटलेट जितनी तेज़ी से गिरती है ये मेडिसिन उतनी ही तेज़ी से प्लेटलेट बढ़ाने का कार्य करती है और आपके शरीर को इतना बल देती है जो आपने आप अनुभव करेंगे इस मेडिसिन को 15-20 दिन कंटिन्यू लेने के बाद, कि इस मेडिसिन को लेने से इतना फुर्तीला इतना स्वस्थ शरीर तो आपका फीवर से पहले भी नहीं रहा होगा। इन मेडिसिन का इतना बढ़िया वर्क हमारी बॉडी के ऊपर है, हमारी बोन्स के ऊपर है, हमारे रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से सक्रिय करती है, हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को, हमारी धमनियों को ऑक्सीजन देने का भी कार्य ये मेडिसिन बखूबी करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो डेंगू फीवर के ऊपर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें आप। थैंक यू फ्रेंड, जिन्होंने कर रखा है उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। बी हैप्पी एंड बी हैप्पी।